तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जाओ दोस्तों, 17 राज्यों की 55 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या समीकरण तैयार किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के लिए जो चुनाव है वो 26 मार्च को होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले 55 सीटों का क्या समीकरण कहता है और 55 सीटें किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं, यानी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी। जिस प्रकार से लोकसभा में तो बीजेपी ने यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल की, लेकिन राज्यसभा में अब तक बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया है, तो क्या 2020 में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी, इस पर क्या कहता है सर्वे और क्या समीकरण यहाँ पर निकल कर आ रहा है। एक एक सीट का आपको सटीक यहाँ पर जो है आंकड़े दिखाएंगे कि किस राज्य से कितनी सीटें यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और किस राज्य से कितनी सीटें यहाँ पर मिलने वाली है। इसमें अगर बात करें तो बड़े दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में होंगे और कई बड़े दिग्गज इस बार रिटायर हो रहे हैं, जिसमें हरिवंश, मोतीलाल बोरा, रामदास अठावले, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर संजय सिंह और कुमारी शैलजा, विजय गोयल, प्रेमचंद गुप्ता, ये बड़े जो नाम है वो भी इस बार रिटायर हो रहे हैं। तो इनके नाम दोबारा से क्या राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे, अगर बता दें तो 13 मार्च को नामांकन यहाँ पर होंगे और 16 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच, 18 मार्च को नाम वापसी लेने की अंतिम तारीख रहेगी। इसके अलावा किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव होंगे उनकी भी आपको सटीक जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले बात कहते हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश के लिए 231 विधानसभा सीटें यहाँ से आती है और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 3 सीटों पर यहाँ पर राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर 3 सीटों के आंकड़े आपको दिखाएं तो यहाँ के जो आंकड़े हैं, यानी यहाँ पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए तो 57 यहाँ पर जो विधायक है वो जिसको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे उनका एक राज्यसभा यहाँ पर सदस्य बन जाएगा। तो 57 विधायक जिनको सपोर्ट करेंगे जो आंकड़े हैं, और वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी 3 सीटें प्लस 1 करके 4 से आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 231 को, तो जो यहाँ का फॉर्मूला है वो तैयार हो जाएगा। तो 57 यहाँ पर विधायक एक राज्यसभा सदस्य यहाँ पर चुनेंगे। तो बीजेपी की अगर बात की तो बीजेपी यहाँ पर जो है, बीजेपी 109 यहाँ पर विधायक है, तो बीजेपी 57 विधायक के दम पर, मतलब की कम से कम यहाँ पर एक तो सीट हासिल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अन्य का समर्थन मिलता है, जिस प्रकार की यहाँ पर खबरें चल रही हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो विधायकों को खरीदने की फिराक में है, ऐसी खबरें चल रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ दावा किया जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं विधायकों को खरीदने जा रही है राज्यसभा चुनाव के लिए, क्योंकि 2 सीटें अगर बीजेपी को यहाँ पर मिल सकती है कि कुछ यहाँ पर विधायक अन्य या कांग्रेस की खरीद लेती है, तो कहीं ना कहीं 3 में से 2 सीटें कांग्रेस या 1 सीट यहां पर बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना के लिए जो है 2 सीटें यहां से आ रही हैं और यहां की वोट वैल्यू 39 है, और यहां पर अगर बात करें तो टीआरएस जो है 104 सीटें है, तो दोनों सीटें यहां पर टीआरएस के पक्ष में यहां पर एक वापस से जा रही है राज्यसभा के लिए। अगर यहां पर आपको असम की आंकड़े दिखाएं तो असम में 126 विधानसभा सीटें आती हैं और असम के लिए जो यहां पर आंकड़े हैं वोट वैल्यू यहां से निकाली जाए तो 31 आती है, और 31 के आधार पर यहां पर बीजेपी जो है दोनों ही सीटें यहां पर हासिल कर रही है। तो असम की दोनों राज्यसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में एक बार फिर से जा रही हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए अगर झारखंड के आंकड़े दिखाएं आपको, तो झारखंड के लिए 2 सीट यहां से राज्यसभा चुनाव के लिए निकलनी है, और 2 सीटों के लिए जो आंकड़े निकल रहे हैं वोट वैल्यू यहां की निकाली जाए तो 27 विधायक एक राज्यसभा सदस्य को चुन लेंगे, और 27 के आधार पर बीजेपी के पास 27 विधायक हैं, तो एक सदस्य बीजेपी का, तो एक यहां पर झामुमो से चुना जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको यहां पर अन्य राज्य यानी झारखंड के बाद अगर आपको छत्तीसगढ़ के आंकड़े दिखाएं, तो छत्तीसगढ़ के लिए कुल 90 सीटें यहां से आती हैं, और 90 सीटों के लिए आंकड़े दिखाएं, 69 सीटें कांग्रेस ने हासिल की है, तो दोनों सीटें यहां पर कांग्रेस के पक्ष में यहां पर छत्तीसगढ़ की जा रही हैं। राज्यसभा के लिए अगर बात की तो राजस्थान में भी 3 सीटें खाली हो रही हैं, 3 सीटों पर क्या यहां पर आंकड़े समीकरण तैयार किए गए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, राजस्थान के लिए अगर बात की तो 200 सीटें यहां से आती हैं, और 200 सीटों के लिए अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो यहां पर कांग्रेस ने 100 सीटें हासिल की थी, तो बीजेपी ने 73 सीटें हासिल की थी। इसके अलावा 13 इंडिपेंडेंट जो है वो यहाँ पर विधायक है, उसके आधार पर क्या आंकड़े बन सकते हैं। देखिए, राजस्थान के जो आंकड़े बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है 1 सीट यहां पर हासिल करेगी और कांग्रेस यहां पर 2 सीटें हासिल कर सकती है। राज्यसभा चुनाव 2020 के लिए गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की 182 सीटें आती हैं, और यहां की अगर बात करें तो 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 103 सीटें है, और यहां पर कांग्रेस 73 सीटें यहां से हासिल हुई है। इसके आधार पर अगर यहां की वोट वैल्यू निकाली जाए तो 36 विधायक एक राज्यसभा सदस्य यहां से चुन लेंगे, तो 4 सीटों में से कम 3 सीटें यहां पर बीजेपी, तो 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में यहां से निकल सकती है। अब बात करते हैं हरियाणा के लिए, तो हरियाणा से भी 2 राज्यसभा सदस्य यहां पर रिटायर किए जा रहे हैं, तो 2 राज्यसभा सदस्य के लिए हरियाणा के लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं। देखिए, यहां की अगर वोट वैल्यू देखी जाए तो 30 यहां से आती है,
और बीजेपी जो है 40, तो यहाँ पर जेजेपी 10, तो यहाँ पर कांग्रेस 31, तो एक सीट यहाँ पर कांग्रेस, तो यहाँ पर एक सीट बीजेपी के पक्ष में राज्यसभा की जा सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के लिए 176 विधानसभा सीटें यहाँ से आती हैं, और यहाँ पर अगर आंध्र प्रदेश के लिए आंकड़े आपको दिखाएं तो यहाँ की वोट वैल्यू जो है वो 35 है। वाईएसआर कांग्रेस के पक्ष में चारों की चार सीट इस बार जा सकती हैं। हो सकता है कि एक सीट यहाँ पर टीडीपी यहाँ से जीत ले। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर तेलंगाना के लिए आंकड़े देखा है तो तेलंगाना के लिए 119 यहाँ से विधानसभा सीटें आती हैं, और तेलंगाना के लिए अगर बात करें तो 2 यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों पर चुनाव होने हैं और यहाँ की वोट वैल्यू है 39। यानी अगर सबसे बड़ी पार्टी यहाँ से देखी जाए तो टीआरएस जो है और वो कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों पर कब्जा जमा सकती है, ये आंकड़े बन सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए अगर बात करें तो बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, और 5 सीटों के लिए क्या आंकड़े बन रहे हैं देखिए, 243 विधानसभा सीटें यहाँ से आती हैं, और 243 विधानसभा सीट के लिए जो यहाँ की वोट वैल्यू है वो है 40, यानी 40 विधायक जिसके लिए यहाँ पर सपोर्ट करेंगे उनका एक राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा, और 40 के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी यहाँ से आरजेडी है और 80 सीटें हैं, तो 2 राज्यसभा सदस्य यहाँ पर आरजेडी, तो एक राज्यसभा यहाँ पर जेडीयू, तो एक बीजेपी, और एक यहाँ पर तय नहीं किया जा सकता कि किसके बन सकते, क्योंकि जिसके पक्ष में विधायक जाएंगे उसका एक और यहाँ पर राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 5 सीटों के लिए क्या आंकड़े बन रहे हैं देखिए, पश्चिम बंगाल के लिए जो आंकड़े हैं और यहाँ की वोट वैल्यू 50 है, टोटल यहाँ पर 294 सीटें आती है, तो टीएमसी 211 है, तो सीधे तौर पर 4 सीट यहाँ पर टीएमसी, तो एक यहाँ पर कांग्रेस 44 सीटों के साथ एक सीट यहाँ पर हासिल कर सकती है। तमिलनाडु की 6 सीटों की अगर आंकड़े दिखाएं तो यहाँ पर अगर बात करें तो 232 सीटें आती हैं और यहाँ की वोट वैल्यू 34 है, और यहाँ पर AIDMK यानी 135 सीटें हैं, तो 135 के आधार पर कम से कम यहाँ पर 4 सीट यहाँ पर AIDMK जीत सकती है, तो 2 सीट यहाँ पर DMK जीत सकती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, और महाराष्ट्र में जिस प्रकार का माहौल बना है उसके बाद राज्यसभा चुनाव के लिए भी काफी संघर्ष देखने को मिल रहा है। अगर कुल 288 सीटों के लिए आंकड़े दिखाएं तो यहाँ की वोट वैल्यू 36 निकलती है, यानी 36 विधायक जिसको सपोर्ट करेंगे एक राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा। इसके आधार पर बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी, 104 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है यहाँ पर 36 का आंकड़ा लगाया जाए तो 3 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, तो शिवसेना को 1, तो NCP 1, तो 1 कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा एक सीट का यहाँ पर तय नहीं किया जा सकता कि वो किसके पक्ष में यहाँ पर जा सकती है। उड़ीसा के लिए आंकड़े देखा है तो उड़ीसा के 3 सीटों पर क्या कहता है सर्वे, और 3 सीटों पर 140 सीटें यहाँ से आती है, और यहाँ की वोट वैल्यू जो है वो 37, यानी 37 विधायक जिसको सपोर्ट करेंगे उसका एक राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेडी है 112, तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं बीजेडी है जो 2 सीटें हासिल कर सकती है, और एक सीट यहाँ पर 23 है बीजेपी, तो एक सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, ये आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो ये कई राज्यों के लिए हमने आपको आंकड़े दिखाए जिनमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल और झारखंड, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के आंकड़े आपको दिखाए, लेकिन जो सभी आंकड़ों के बाद बीजेपी जो है अकेले 91 सीटों तक पहुंच जाएगी, यानी अभी भी बहुमत के आंकड़े तक काफी पीछे नजर आ रही है। हालांकि NDA जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं जो 123 का आंकड़ा है बहुमत का उस तक पहुंच सकती है राज्यसभा चुनाव 2020 के लिए। आने वाले समय के लिए और इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको क्या लगता है क्या बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी 2020 के अंदर, क्योंकि आने वाले समय में और भी यहां पर सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।